नमस्ते, कृतिकास किचन में आपका स्वागत है। आज हम स्टफ्ड पनीर पराठा बनाएंगे। स्टफ्ड पनीर पराठा बनाना बहुत ही आसान है और खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। चलिए शुरू करते हैं। पनीर पराठा बनाने के लिए 2 बड़े कप गेहूं का आटा लिया है, 2 चम्मच सूजी ली है, पनीर लिया है 250 ग्राम, इसे घिस लिया है, धनिया ली है, 1 बड़ी प्याज ली है जिन्हें छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेंगे या घिस लेंगे, और अदरक का पेस्ट लिया है, नमक लिया है, गरम मसाला, धनिया और सौंफ को हमने दरदरा पीस लिया है और घी लिया है। सबसे पहले हम डो को तैयार करेंगे। आटे को डाल देंगे एक बर्तन में, सूजी को भी डाल लेंगे और इसे हम मिला लेंगे। इसमें हम 1 चम्मच घी डाल के अच्छे से इसे मिला लेंगे। अब इसमें पानी डालेंगे। थोड़ा थोड़ा पानी करके एक सॉफ्ट डो तैयार करना है इसका। ऊपर से अब घी लगा लेंगे इसे चिकना करने के लिए। जितना अच्छा हमारा आटा मला होगा उतने अच्छे हमारे पराठे बनेंगे। अब इसे 10 मिनट के लिए रख देते हैं, तब तक हम स्टफिंग तैयार करते हैं। एक बाउल में हम पनीर को डाल देंगे। पनीर को आप घिस के ही यूज़ करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब इसमें हमने अदरक का पेस्ट डाल दिया है, प्याज डाल दी है, प्याज को हमने काट कर इसका पानी निकाल दिया था, आप घिस भी सकते हैं, धनिया डाल दिए बारीक काट ली थी। अब इसमें नमक डाल दिया है 1 चम्मच, गरम मसाला 1/2 चम्मच, धनिया और सौंफ का पाउडर डाल देंगे। अब आटा हमारा सेट हो गया है, इसे थोड़ा मल लेंगे हम। अब हम पराठा बनाना शुरू करते हैं। हमने एक लोई ले ली है, ये देखिए इस तरीके से सूखे आटे में लगाएंगे और इसे थोड़ा सा हम बेल लेंगे, देखिए इस तरीके से हाथों में हम ले लेंगे लोई को और इसमें हम पनीर को भरेंगे। अब इसे हाथों की सहायता से हम बंद करेंगे धीरे धीरे, दबा दबा के पनीर को अंदर, देखिए कुछ इस तरीके से, और ऊपर से एक्स्ट्रा आटा हम निकाल देंगे। अब थोड़ा सूखा आटा लगाएंगे इसमें हम। अब हम हल्के हाथ से इसे बेल लेंगे पराठे को, ये देखिए ये हमने बेल लिया है। अब ज़्यादा तेज गरम तवे पे नहीं डालना है हमें, ज़्यादा गरम नहीं करना है, और थोड़ा सा घी लगा के हम पराठे को डाल देंगे, ये देखिए कुछ इस तरीके से। धीमी ही आंच पे सेकें इसे, ज़्यादा तेज कर लेंगे तो पराठा हमारा जल जाएगा। हमने दोनों तरफ से सेक लिया है, अब इसके ऊपर हम घी लगा लेंगे। आप चाहें तो रिफाइंड में भी सेक सकते हैं, लेकिन ये घी में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं पराठे। इस तरीके से हम सेक लेंगे, देखिए हमारा पराठा फूल गया है कितना अच्छा, ये देखिए अच्छे तरीके से इसे गोल्डन ब्राउन सेक लिया है हमने। अब हम इसी तरीके से हम सभी पराठों को सेक लेंगे। ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं पराठे खाने में, आप अपने घर पे ज़रूर ट्राई कीजिए।
आप मेरे बताए तरीके से बनाएंगे तो बहुत ज़्यादा टेस्टी लगेंगे। आप कैसे बनाते हैं हमें ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में। देखिए हम आपको बीच में से दिखाते हैं कि इसमें स्टफिंग कितनी अच्छी भरी हुई है। आप इसे दही के साथ सर्व कीजिए। आप अपने घर पे ज़रूर ट्राई कीजिए और अपने अनुभव को हमारे साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।